गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं दिन सुबह के 8:45। तो अभी अभी मैं उठ चुका हूँ क्योंकि आज है गुरुवार। तो मैं मेरे पापा के साथ जाने वाला हूँ, जो मेरे पापा मामा देव के मंदिर जाते हैं गुरुवार को। पांच मामा देव का मंदिर जाते हैं, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो चलो जाते हैं अभी, और अभी मैं नहा लेता हूँ। तो चलो मिलता हूँ आपको नहा के। तो गाइस नहा धो के हो चुके हैं रेडी, तो चलो चलते हैं अभी मामा देव सभी मामा देव मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये है मुकेश भाई, और यहाँ पे जो मामा देव का मंदिर है, तो दोनों टाइम यही भैया पूजा करते हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। और ये है मंदिर पूरा सामने। ये है मंदिर मामा देव का। ये है खिजड़ा वाला मामा देव का मंदिर, देखो आप। वो खीरा शमशान के बाजू में है ये मंदिर, आप आ सकते हो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। एक मंदिर के दर्शन कर लिए, तो चलो चलते अभी पुलिया वाला मामा देव मंदिर की तरफ। तो पहुंच चुके हैं दूसरे मामा देव के मंदिर। तो यहाँ पे सब कौवे और सब जो होते हैं वो गाठिया सब डालते हैं, तो वो यहाँ पे खाते है, देखो आप। दर्शन हो चुके हैं, और ये मंदिर अभी 6 महीने पहले ही रिनोवेट हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है गाइस ये पुलियावारा मामा देव का। चुके हैं तीसरे मंदिर आमलीवारा मामा देव पे, तो चलो चलते हैं अभी अंदर। तो पापा कर रहे हैं अभी दर्शन, तो चलो चलते हैं अब चौथे मंदिर पे हरीशवारा मामा देव। नारायण स्वीट मार्ट, जहाँ से पापा जलेबी फाफड़ा लेते हैं मामा देव को चढ़ाने के लिए। तो बस परेश भाई और नितिन भाई, और ये है नारायण स्वीट मार्ट, देखो आप। यहाँ पे सब स्वीट पड़े। तो आ चुके हैं सुदामा कॉम्प्लेक्स में, पापा अभी शॉप ओपन कर रहे हैं। और राघव सुदामा मंदिर पे मैंने बुलाया था, बैठा था वहाँ पे, तो राघव को भी पिक कर लिया है। तो चलो अभी चलते हैं हरीश्वर मामा देव लास्ट में जाएंगे, पहले जाएंगे मामा कोठा मंदिर, जो पोरबंदर में मेन मंदिर है मामा देव का। तो मेरी गलती हो गई थी बोलने में, तो पापा पहले वहाँ जाते हैं। चौथा मंदिर वो है, और पाँचवा मंदिर है ये हरीशमाला मामा देव। तो चलो अभी जाते हैं वहाँ पे। तो राघव, तूने कल पहली बार चैलेंज किया, तो तुझे कैसा लगा? बहुत मजा आया, और कुछ दिक्कत नहीं हुई, और हालत टाइट हो गई थी। पनिशमेंट कैसी लगी तुझे? पनिशमेंट बहुत मुश्किल थी, पर कर ली। तो कर ली। तो सुबह फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कुछ भी नहीं हुई। तो चलो अभी नेक्स्ट करेंगे तो आएगा ना तू? पक्का पक्का। तो चलो राघव भी आएगा अब नेक्स्ट चैलेंज में। तो आ चुके हैं मामा कोठा मंदिर पे। तो ये अभी रिनोवेट हुआ है, 6-7 महीने हुए इसको रिनोवेट हुए। तो मस्त मंदिर है एकदम। और ये ओनर है, सॉरी भूल गया, ओनर तो नहीं है ये मंदिर के करता रहता है, जो सब मंदिर में मैनेजमेंट होता है वो ये दादाजी करते हैं सब। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। सुदामा मंदिर कबूतर को चने खिलाने, और पापा डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये है सुदामा मंदिर। एक बार इस मंदिर की भी आपको विजिट जरूर कराऊंगा। अभी तो आज हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर। तो आज जाएंगे कीर्ति मंदिर, तो आज तो यहाँ पे पूरा शूट नहीं होगा, तो आपको ये मंदिर की विजिट एक बार जरूर कराऊंगा गाइस। तो पापा अभी कर रहे हैं हरीश वाले मामा देव के दर्शन।
तो चलो पापा कर लेते हैं, फिर हम करेंगे दर्शन, मैं और राघव। तो गाइस पहुंच चुके हरीश वाले मामादेव के मंदिर। तो देखो ये है मामादेव की मूर्ति यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी है, और अगरबत्ती भी चल रही है, और पापा ने दो पेंडे भी धर दिए भगवान को। तो चलो कर लेते हैं अभी दर्शन भगवान के। तो गाइस सभी मामादेव के मंदिर के, पांचों मामादेव के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। पापा ने आज बोला था गुरुवार है, तो आ मेरे साथ और सभी मामादेव का मंदिर का शूटिंग कर, व्लॉग में ले। तो अभी प्लान मैं बना रहा हूँ कि गांधी जी का जो जन्मस्थल है कीर्ति मंदिर, वहाँ पे जाने का। तो मैं और मेरा फ्रेंड राघव जा रहे हैं, चलेगा ना? चलेगा। चलो तो चलो चलते हैं अभी वहाँ पे। तो अभी तो कोई व्हीकल नहीं है हमारे पास, तो सुदामा से कीर्ति मंदिर तक चल के जाएंगे। तो चलो जाते हैं अभी वहाँ पे। तो गाइस पहुँच चुके हैं सोनी बाजार पे, तो ये गेट है सोनी बाजार का। तो चलो चलते हैं अभी अंदर और जाते हैं गांधी जी के घर की ओर। तो गाइस पहुँच चुके हैं श्रीनाथ जी हवेली पे, तो चलो यहाँ पे करते हैं दर्शन। तो ये है श्रीनाथ जी हवेली, देख सकते हो आप, पूरी ऊंची है, देखो देखो आप। तो चलो चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। गाइस हो चुके हैं श्रीनाथ जी के दर्शन, तो नहीं हुए क्योंकि बंद थे दर्शन। तो नाथद्वारा जो होता है, नाथद्वारा राजस्थान, श्रीनाथ जी का मेन मंदिर है वहाँ पे। तो ये हवेली वही से संचालित है, तो अभी तो दर्शन नहीं हुए। दर्शन होते तो भी मैं दिखा नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो चलो चलते हैं अभी कीर्ति मंदिर। तो गाइस पहुँच चुके हैं कीर्ति मंदिर, देखो ये गांधी जी का जन्म स्थल है। एक बार मैं यहाँ आया था, आपको बाहर से ही दिखाया था साइक्लोन की वजह से। तो चलो चलते हैं अभी अंदर, देखो ये आप। तो पहुँच चुके हैं बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, तो चलो चलते हैं अभी अंदर। ये पूरा एरिया आ जाता है रूम का, तो चलो चलते हैं अभी रूम में। तो ये है वर्षा जल संग्रह टंकी, देखो आप। अब चलते हैं अंदर रूम में। यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, देखो आप। स्वस्तिक जहाँ पे ये है, ये देखो फूल भी है। तो यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो देखो ये है रूम, अभी तो अलाउ नहीं करते यहाँ पे। तो ये पूरा मंदिर है, पेंटिंग और सब, देखो खिड़कियाँ, देखो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो वहाँ भी हम जाएंगे। यहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा जो गांधी जी के पत्नी है, तो ये है सब पुराने खिलौने, देख सकते हो आप पूरा। तो यहाँ पे भी ये सब खिलौने, तो यहाँ पे फोटो लगी हुई है सभी, देखो आप। यहाँ पे भी गांधी बापू की फोटो लगी है, देख सकते हो। और ये जब गांधी बापू यंग उम्र के थे, यंग एज के, इस तब की फोटो है गांधी बापू की, देखो आप। ये है मंदिर के एग्जैक्ट सामने कस्तूरबा और गांधी जी का बड़ा फोटो, तो सत्य अहिंसा भी लिखा हुआ है। तो ये है गांधी जी और कस्तूरबा का मंदिर में एंट्रेंस से ही बड़ा फोटो। ये है गांधी जी और ये बहुत पुराना फोटो है, पोरबंदर चौपाटी पे बैठे हुए, ऐसा कुछ फोटो एडिट करके फ्रेम कराया है यहाँ पे मंदिर की ओर। और ये भी एक पेंटिंग है, बापू ट्रेन में से उतर रहे हैं। और यहाँ भी स्वच्छ भारत निर्माण का बापू का पेंटिंग है, और बा और बापू दोनों है यहाँ पे, देख सकते हो आप। और बापू ड्राइंग करते हुए ऐसी भी फोटो लगाई है। चलो चलते अभी वे टू फोटो गैलरी पे ऊपर।
तो गाइस देख सकते हो पुरानी मूर्ति वो जो सब है कृष्ण भगवान की है और सरस्वती माता जी की भी है और शिव पार्वती भी है और थोड़े बहुत पंछी भी है यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे भी है पुराने सब बापू बापू की जब साल में बापू का जन्म था उस साल के ये सब है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं मुझे। तो देखो आप ये पूरी आर्ट गैलरी है। तो गाइस गांधी जी के जन्मभूमि से भी आ गए और केदार केदारेश्वर मंदिर पे बैठे अभी मैं और मेरा फ्रेंड राघव, तो चलो बैठते अभी थोड़ी देर यहाँ पे। तो गाइस मिल चुकी है ऑटो, तो चलो चलते अभी घर। तो गाइस आ चुका हूँ घर पे, सभी मंदिर घूमे, गांधी जी का जन्मस्थल भी घूमे आज, तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो गाइस आ चुका हूँ ट्यूशन से और मेरे फ्रेंड का कॉल आया था मुझे कि चल आ घर पे चिप्स बनाते हैं, तो बन चुकी है चिप्स, तो चलो खाते हैं अभी। तो चिप्स खा लिए तो अभी जा रहे हैं लापिनोस के बाजू में वेफल हाउस पे वेफल खाने, तो चलो चलते हैं अभी वहां पे मैं और मेरा फ्रेंड पार्थ। तो पहुंच चुके हैं द बेल्जियम वेफल हाउस पे, तो चलो चलते हैं अभी अंदर। आ चुकी है ट्रिपल चॉकलेट वेफल, पार्थ ने मंगाई है ट्रिपल चॉकलेट, तो चलो खाते हैं अभी। तो आ चुके हैं वेफल का, कैसी लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया सर्विस भी मस्त थी। तो एक बार एमजी रोड कमलाबाग के थोड़ी आगे है नियर लापिनोस पिज्जा के बाजू में है, तो एक बार आप विजिट जरूर करना यहाँ के। तो चलो चलते हैं अभी, बड़ी फ्रेंचाइजी एक साथ में है, वेफल छास वाला और लापिनोस, तो एक बार तीनों की विजिट करना मस्त है। हम तो यहाँ भी गए, छास वाला में भी गए और लापिनोस में भी गए, चलो चलते हैं अभी कहीं पे जाते हैं, तो चले मिलेंगे अभी पे। तो गाइस आ चुके हैं घर पे और अब मोबाइल चार्जिंग करते हैं थोड़ी देर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस तो अभी बज रहे रात के 11:30 और आज के व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज का तो पूरा दिन बेस्ट था, मामा देव के मंदिर के दर्शन भी किए, कीर्ति मंदिर भी गए, गांधी जी का जन्म स्थल है वहाँ पे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ मैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बस यहाँ पे ही करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, धन्यवाद।